दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। दोस्तों आज के वीडियो को देखने के बाद आपकी हवाइयां उड़ जाएंगी, क्योंकि हो सकता है आप साग सब्जी खाने वाले पंडित इंसान हो जो मांस मच्छी के नाम से दूर भागते हो। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस दुनिया में 92% लोग मांस मच्छी का सेवन करते हैं। अब हो सकता है आप उन 8% लोगों में से एक हो, लेकिन आप खुद ही सोचिए इस दुनिया में मांस खाने वाले लोगों की संख्या कितनी बड़ी है। और जब खाने वालों की संख्या इतनी बड़ी है तो जाहिर सी बात है इसका प्रोडक्शन भी बड़े लेवल पर होता होगा, तभी तो इतने लोगों की जरूरतें पूरी होती है। और इसलिए अब मीट को बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में तैयार किया जाता है, जिसका प्रोसेस देखकर कोई भी सोच में पड़ जाए। मीट का फैक्ट्री मेकिंग प्रोसेस किस तरह होता है, इसे देखने के लिए मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ वीडियो के एंड तक बने रहना। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। आइए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं चिकन की, जिसे खाने वाले लोगों की संख्या बहुत ही ज्यादा है। वैसे आपको चिकन छोटी छोटी दुकानों पर मिल जाएगा, लेकिन दोस्तों इसे तैयार करने के लिए बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां भी बनाई गई है, जहाँ बहुत ही बड़ी संख्या में चिकन बनकर तैयार हो जाता है। सबसे पहले तो मुर्गियों को एक बड़े से ट्रे में भर के आगे की तरफ पहुंचाया जाता है, ताकि वर्कर्स उसे मशीन पर लटका सके, जिसके बाद मशीन में उल्टी लटकी हुई मुर्गियों के सिर को एक खास ब्लेड की मदद से धड़ से अलग कर दिया जाता है। अब इसके बाद इन मरी हुई मुर्गियों को खोलते हुए पानी में डालकर कुछ देर तक रखा जाता है, ताकि इनके ऊपर लगी गंदगी साफ हो जाए और उनके पंख मुलायम हो जाए। पानी से निकलने के बाद इन मुर्गियों को 2 स्पेशल ब्रश से गुजारा जाता है, जो इनके शरीर से इनके पंखों को अलग कर देते हैं, जिसके बाद इन्हें एक वॉशर से गुजारते हैं, जो इनके शरीर में बाकी चिपके हुए पंख को हटा देता है। अब आगे बढ़ते हुए ये मुर्गियां उस कटर के पास जाती हैं, जहां उनकी बची हुई गर्दन को काटा जाता है, और फिर अगले कटर के पास भेजा जाता है, जहां इनके पैर काटे जाते हैं, और फिर उन मुर्गियों की गंदगी को साफ करने का काम होता है। ऐसा करने के लिए इनके शरीर में मेटल की रॉड को आर पार किया जाता है। जब सफाई का काम हो जाता है तो मुर्गियों को एक बार फिर से खोलते हुए पानी में डाला जाता है, ताकि उनकी स्क्रीन पर लगे हुए बैक्टीरिया खत्म हो जाएं। और ये सारा प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाता है तो उन्हें पैकिंग करके दुकानों में भेजने के लिए पूरी तरह से रेडी कर दिया जाता है। आइए बात करते हैं मछलियों की, क्योंकि इन्हें पसंद करने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है, और ये खाने में काफी पौष्टिक भी होती है। इसलिए दुनिया में आपको बहुत सी ऐसी फैक्ट्रियां मिल जाएंगी जहाँ पर मछलियों का मांस तैयार किया जाता है। ऐसे में सबसे पहले तो बड़ी बड़ी बोट्स का सहारा लेकर मछुआरे हजारों टन मछलियां पकड़ने का काम करते हैं। इन मछलियों को कन्वेयर बेल्ट में रखा जाता है, जहां पर वर्कर्स एक एक करके इन्हें कटिंग मशीन पर रखते हैं। ये जो कटिंग मशीन होती है, ये मछलियों के सिर को बेहद ही सफाई से काट देती है। दोस्तों इस कटर के काम करने की रफ्तार इतनी तेज होती है कि मात्र 1 मिनट में 100 से ज्यादा मछलियों का सिर काट कर रख देती है। अब इसके बाद मछलियों को दूसरे कन्वेयर बेल्ट के जरिए साफ सफाई के लिए भेज दिया जाता है, जिसके लिए इन्हें पानी के बहुत बड़े टैंक में डाला जाता है, और अच्छी तरह उसकी साफ सफाई होने के बाद इन्हें दूसरे कन्वेयर बेल्ट के जरिए एक ऐसे कटर से गुजारा जाता है, जो इनके शरीर को 2 हिस्सों में काट देता है। अब 2 टुकड़े होने के बाद इन्हें एक बार फिर से धुलने के लिए भेज देते हैं। जो मछलियां साइज में ज्यादा बड़ी होती है उन्हें काट दिया जाता है, और ये काम वर्कर्स द्वारा हाथों से किया जाता है। कटिंग का काम होने के बाद हर मछली को उसके वजन के हिसाब से पैक करके रख दिया जाता है। मछली के मांस को छोटे टुकड़ों के कीमे के रूप में तैयार करते हैं, ताकि उससे अन्य वस्तुएं भी तैयार की जा सके। जब हम मछली और चिकन की फैक्ट्रियों में मीट प्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, तो भला ऑक्टोपस कैसे पीछे रह सकता है? हमें पता है आपको ये नाम सुनकर थोड़ा अजीब जरूर लग रहा होगा, पर दोस्तों ये चीज केवल भारत में अजीब है। बाकी दुनिया में लोग ऑक्टोपस के खतरनाक होने के बावजूद उसे ऐसे खाते हैं जैसे कि इससे ज्यादा स्वादिष्ट खाना उन्हें मिलेगा ही नहीं। खासतौर पर चाइना, जापान और कोरिया जैसे देशों में तो ऑक्टोपस का मांस बहुत ही ज्यादा बड़ी संख्या में खाया जा रहा है, और यही वजह है कि इसके मांस को तैयार करने के लिए वहां पर बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चलाई जाती हैं। दोस्तों ये जो प्रोसेस होता है, इसकी शुरुआत समुद्र में ऑक्टोपस को पकड़ने से होती है। ऐसा करने के लिए गोताखोर समुद्र की गहराइयों में जाते हैं और एक एक ऑक्टोपस को पत्थरों के बीच ढूंढते हैं। ऑक्टोपस को पकड़ने का ये काम काफी जोखिम भरा होता है। ऑक्टोपस को पकड़ने के बाद उन्हें किनारे लाया जाता है, जहां इनके आकार के हिसाब से इन्हें काटा जाता है। इनकी कटाई छटाई का काम पूरा होने के बाद इन्हें फैक्ट्री भेज दिया जाता है, जहां पर इन्हें एक बहुत बड़े पूल में स्टोर करके डाल दिया जाता है। अब दोस्तों जब फैक्ट्री में टारगेट के हिसाब से ऑक्टोपस जमा हो जाते हैं, तो वर्कर्स इन्हें काटना शुरू कर देते हैं।
वर्कर्स तेज धार वाले चाकू का इस्तेमाल करके अपने हाथों से ही इन ऑक्टोपस के शरीर के जो अनचाहे हिस्से होते हैं उन्हें काटकर अलग कर देते हैं। अब ये हिस्से काटने के बाद इन्हें खोलते हुए पानी में डाल दिया जाता है। ये जो खोलता हुआ गर्म पानी होता है इसमें तड़प तड़प कर इन ऑक्टोपस की मौत हो जाती है। जब ऑक्टोपस मर जाते हैं तो इन्हें पानी से निकालकर इनके इंस्पेक्शन का काम शुरू होता है। बहुत सारे वर्कर्स एक साथ मिलकर ऑक्टोपस को चेक करके उन्हें एक स्पेशल प्रकार के हैंगर पर लटकाते हुए चले जाते हैं। अब फिर दोस्तों जिस कमरे में ऑक्टोपस मौजूद होते हैं उस कमरे में एक विशेष प्रकार की स्टीम छोड़ी जाती है और ये काम लगातार कुछ दिनों तक होता है ताकि इनके शरीर में अच्छी तरह से स्टीम लग जाए। और जब अच्छी तरह से स्टीम लग जाती है तो अंत में ऑक्टोपस की पैकिंग का काम शुरू हो जाता है ताकि इन्हें ऑक्टोपस खाने वाले लोगों के पास भेजा जा सके। आपको बता दें ऑक्टोपस खाने का ये सबसे बेहतरीन तरीका है क्योंकि यहाँ पर ऑक्टोपस के अंदर की सारी खराब चीजें जो इंसान को नुकसान पहुंचा सकती है वो हटा दी जाती हैं। लेकिन कुछ सिरफिरे लोग तो ऐसे भी हैं जो जिंदा ऑक्टोपस को खाने की कोशिश करते हैं और फिर उनका अंजाम क्या होता है वो तो आपको पता चल ही गया है। तो दोस्तों उम्मीद है आज की वीडियो में आपको काफी कुछ सीखने का मौका मिला होगा। अब आपका इस पर क्या कहना है कमेंट में बताइए और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी हमारे जैसे नॉलेज फैक्ट्स के दीवाने हैं तो हमारे दूसरे चैनल ब्राइट ज्ञान को जरूर सब्सक्राइब करें जहाँ आपको तरह तरह के फैक्ट्स देखने को मिलेंगे। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे दो और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।